सरकार ने 21 जून से पूरे देश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए टीकाकरण की शुरुआत करने जा रही है, लेकिन इस संदर्भ में अब तक मनपा को राज्य सरकार की तरफ से कोई आदेश नहीं मिला है। फिर भी मनपा ने तैयारी पूरी कर ली है। वर्तमान में मनपा के पास 35 से 40 हजार टीके उपलब्ध है। शुरू में 100 केंद्र बढ़ाए जाएंगे, बाद में जरूरत के अनुसार केंद्रों को 300 तक बढ़ाया जा सकता है। टीकाकरण की तैयारी को लेकर महापौर दयाशंकर तिवारी की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान मनपा आयुक्त राधाकृष्ण भी विशेष रूप से मौजूद थी। महापौर तिवारी ने टीकाकरण को लेकर तैयार रहने के निर्देश दिए। इस पर आयुक्त ने कहा कि टीकाकरण के लिए मनपा तैयार है, जैसे ही आदेश मिलेंगे वैसे ही मुहिम की शुरुआत कर दी जाएगी। भीड़ को देखते हुए शुरू में 100 केंद्र बनाए जाएंगे, बाद में इसे बढ़ाकर 300 किया जाएगा। इसके लिए जनप्रतिनिधियों की मदद भी ली जाएगी। मनपा मुख्यालय में आयोजित बैठक में महापौर मनीषा धावड़े, विधायक प्रवीण दटकी, सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे, विरोधी पक्ष नेता तानाजी वनवे, स्वास्थ्य समिति सभापति संजय महाजन, पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष विजय झलके, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, संजय निपानी, चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय चिलकर, डॉक्टर गोवर्धन नवखरे आदि उपस्थित थे। महापौर तिवारी ने कहा कि 18 प्लस के टीकाकरण की शुरुआत के साथ ही भीड़ बढ़ेगी। वर्तमान में 104 केंद्र है, हर पार्षद से चर्चा कर 8 से 10 केंद्र बढ़ाए। भीड़ का नियोजन जरूरी है। मुस्लिम समाज में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए, स्लम में लोगों को जागरूक करें। टीकाकरण के लिए स्लम में जाकर एक संस्था महीने भर का राशन देने के लिए तैयार है, उनकी मदद ले। ऑनलाइन पंजीयन में तकलीफ है, केंद्र पर ही पंजीयन की व्यवस्था की जानी चाहिए। नागपुर महानगर पालिकेच्या माध्यमातून संपूर्ण कोरोनाच्या लढाईमध्ये नागपूर महानगर पालिकेची संपूर्ण टीम ने एकत्र येऊन जे काम केले त्याचा प्रतिसाद सध्याचे जे आकडे आहे ते स्वतः गवाही देत आहे। मी सगळ्यांचा महानगरपालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा सोबतच ज्या NGOsने आम्हाला मदत केली त्यांचा आणि प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये काम करणारे जे डॉक्टर आणि स्वास्थ्यकर्मी आहे सगळ्यांचा हार्दिक आभार या शहराच्या महापौराच्या नात्याने व्यक्त करतो। 18+ वैक्सीनेशन 21 सुरू होणार आहे अशी माहिती पंतप्रधानच्या माध्यमातून मिळाली, ते मिळाल्यानंतर ते सुरळीत पार पडली पाहिजे याच्यासाठी आज महानगरपालिकेच्या आयुक्ताचा अनेक्स रूममध्ये एक बैठक घेण्यात आली। त्या बैठकीमध्ये महानगरपालिकेने याचा क्वांटम जास्त राहणार आहे, उत्साह भरपूर आहे, म्हणून मोठ्या प्रमाणे गर्दी होणार आहे, या दृष्टीने गर्दीचं नियोजन कसं करावं यासाठी आज बैठक आयोजित करण्यात आली होती। महानगरपालिकेच्या माध्यमातून 104 सेंटरची परख करून त्या ठिकाणी वैक्सीनेशन सुरू करायचं हा पत्र महानगरपालिकेच्या या बैठकीमध्ये देण्यात आला। सर्व नगरसेवकांशी चर्चा करून या चर्चेमध्ये जे प्रमुख नगरसेवक समाविष्ट झाले त्यांची सूचनाप्रमाणे 8-10 टँकर ठिकाण आणखीन वाढवण्याचा निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोर के साथ अभिषेक पानसे, BCN News नागपूर।